इतना खाओ नाश्ता कि एक कटोरी भर बस, कि दोपहर तो खूब जोर से भूख लगाए, नहीं तो कोई जूस आदि पी लो, मोटे हैं तो लौकी का जूस पी लिया, कब्ज है तो लौकी का नाशपाती का जूस पी लिया, डायबिटीज है तो खीरा करेला टमाटर का जूस पी लिया, और ऐसे ही आप हेल्दी हैं तो थोड़ा सा अनार खा लिया, थोड़ा सा सेब खा लिया, थोड़ा सा अमरूद खा लिया, ऐसे पपीता खा लिया, कोई ऐसे फल, कोई अंकुरित ले लिया, दलिया खा लिया, हल्का खाओ, हल्के रहोगे। दोपहर का खाना उसमें जो है शाक सब्जियां, दूध छाछ दही, सुबह दही बहुत अच्छा रहता है, दोपहर को छाछ बहुत अच्छी रहती है, रात को छाछ नहीं लेना चाहिए, उससे ही एलर्जी की प्रॉब्लम, मोटापा और कई तरह के शरीर में दोष आ जाते हैं, दोष प्रकोपित हो जाते हैं, वात पित्त कफ दोष प्रकोपित हो जाते हैं, पंच भूतों का संतुलन बिगड़ जाता है, और अष्ट धातुओं का रस रक्त मास्मित अस्थमज्जा ओज का संतुलन बिगड़ जाता है, निद्रा आदि में दिक्कत आती है, अनिद्रा और तमाम तरह की दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। तो कह रहा था दिनचर्या ठीक रखना, चबा चबा के खाना, खुश रहना, कब्ज नहीं होने देना, कब्ज जो है सब बीमारियों की जड़ है, जैसे मेडिकल साइंस में कहा जाता है तनाव सब रोगों की जड़ है और मोटापा सब रोगों का घर है, तनाव सब रोगों की जड़ और मोटापा सब रोगों का घर, ऐसे ही आयुर्वेद में कहा जाता है विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। आम भाषा में भी कहावत है, लोक श्रुति है, पेट सब बीमारियों की जड़ है, कब्ज सब बीमारियों की जड़ है, ये पेट को साफ रखना बहुत जरूरी है, पेट को साफ नहीं रखोगे तो आरोग्य का इंसाफ तुम्हें नहीं मिलेगा। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करो 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 करो, ये भी शरीर की शुद्धि कर रहे हैं, शक्ति और शुद्धि की साधना है, यदि आयुर्वेद और योग को दो शब्दों में कहा जाए ना, हम शक्ति देते, शक्ति और शुद्धि, यही सब जड़ी बूटियां सारी योग की क्रिया इसी के लिए करवाई जाती है, और शक्ति का मूल स्रोत मैंने प्राण कहा, शक्ति और शुद्धि का मूल स्रोत, शक्ति भी मिलती है शुद्धि भी होती है। अनुलोम विलोम लगातार करते रहो, रुकना नहीं है, बस एक ही शर्त। अब दिनचर्या के बारे में कुछ और बातें, जिनके शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है ना, वो क्या करें, जिनके शरीर में विटामिन्स की कमी है वे एक तो अंकुरित खाया करें, इसमें सारे विटामिन होते हैं अंकुरित में, दूसरा गिलोय खाया करें, सारे विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने की शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, जो दाल रोटी सब्जी आप खाते हो उसमें सारे विटामिन्स होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो आंवला एलोवेरा का जूस पिया करो और गिलोय खाया करो, इससे एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे आपके, खाने में सारे विटामिन होते हैं, विटामिन D3 विटामिन B12 खास करके, ये बहुत गड़बड़ हो रही है आजकल, फिर विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी, फिर ये सब विटामिनों की कमी, और फिर आजकल कैल्शियम और आयरन, अब इसके लिए एक तो वीट ग्रास आदि ले सकते हैं जिनको उपलब्ध हो, नहीं तो गेहूं, पेट ठीक गड़बड़ होने से गड़बड़ होता है ना, तो एक कप गेहूं उसमें एक गिलास पानी का डाल दो ऐसे, फिर अगले दिन उसको सुबह पी जाओ, फिर अगले दिन वो गेहूं मत बदलना, गेहूं में फिर दूसरा गिलास पानी डाल देना, फिर अगले दिन पी लेना, ऐसे 3 दिनों तक वो पानी पीने से पूरा पेट का इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है, जिनका पेट बहुत गड़बड़ रहता है, मल मूत्र से बदबू आती रहती है, गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत बनती है, वो गेहूं का पानी पीना, इससे पेट का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, डॉक्टर नीरज जी ने इसके ऊपर बहुत शोध किया है और हजारों लाखों रोगियों पर इसका प्रयोग किया, नेचुरोपैथ में वो करवाते हैं इसको,
थक गए आप में से काफी भाई बहन, चलो दोनों हाथ कंधों पर रख लो गोल घुमा लो, जरा रोज की समझो चीजों को। अब जरा अगली बात कह रहा हूं, दिनचर्या से संबंधित ये बातें हैं, खान पान से संबंधित ये बातें हैं, इनका ख्याल रखना सब। अब कुछ खास बातें, बिनापि औषधि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ्यविहीन से भेष जानाम शतैरपि। इसका मतलब यह है, आयुर्वेद का बहुत बड़ा सिद्धांत है, बिना ही औषधि के आप खान पान की चीजों को ठीक करके अपने शरीर को ठीक कर सकते हो। अभी शरीर का रॉ मेटेरियल क्या है बोलो, शरीर का रॉ मेटेरियल क्या है? खाना। और विचार का रॉ मेटेरियल क्या है? ज्ञान। जैसा ज्ञान होगा वैसे ही फिर आपका मन की स्थिति बनेगी। ज्ञान अज्ञान अल्प ज्ञान मिथ्या ज्ञान, इन्हीं से सब गड़बड़ हो रही है। तो एक तो स्वाध्याय किया करो, सत्संग किया करो, समर्थ गुरुओं की बात पर विश्वास करके वैसे ही जीवन को जिया करो। ज्ञान नहीं ज्ञान है न सदृशम, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। और आहार, शरीर का रॉ मेटेरियल भाई आहार, आहार तो बहुत बड़ी चीज है, आहार और विचार। और एक बात सुन लो जरा कान खोल के, जो एक बार आहार अंदर चला गया वो खत्म नहीं होता है कि खाना खाया और खत्म हो गया, वो शरीर का हिस्सा बन जाता है। इस बारे में सुन लो जरा कान खोल के, बहुत बड़ी बात है। एक दिन मेरे मुख से निकली थी, उसके बाद में जब भी कभी ऐसी कोई बात आती है, कोई प्रसंग आता है, तो मैं इस बात को कहता हूं, जो भी हम खाना खा लेते हैं, चाहे बीड़ी सिगरेट शराब, चाहे गेहूं जवार बाजरा मकई घी तेल, कोई भी चीज खत्म नहीं होती, वो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा ओज बन करके और उसका सूक्ष्म भाग मन बन करके, जैसा खाओगे न वैसा होगा मन। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्वग्रंथनम प्रमोक्ष। मैं शास्त्र के प्रमाण इसलिए देता हूं कि मैं कोई अपने घर की बात नहीं कह रहा हूं, ये बात सत्य है, नहीं मानोगे तो ठोकर खाओगे दुख पाओगे। सुनो, जो भी तुम आहार लेते हो और जो भी तुम विचार करते हो, आहार शरीर बन करके और विचार मन बन करके, चित्त बन करके, संस्कार बन करके, कर्माशय बन करके, कर्म भी नष्ट नहीं होता है, कर्म से कर्माशय बनता है, उससे संस्कार बनते हैं, उससे स्वभाव बनता है। कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, सिद्धांत है, कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, रूपांतरित हो जाती है, विज्ञान का सिद्धांत बता दिया, ये विज्ञान का सिद्धांत है, कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, क्या होती है बोलो, रूपांतरित होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है खाली चीजों का। तो एक क्षण के लिए भी मन में गलत विचार बोलो आएगा तो क्या बन जाएगा, विचार क्या बन जाता है फिर, संस्कार बन जाता है और आहार शरीर बन जाता है। तो गलत संस्कार चाहिए तुमको, गलत शरीर चाहिए, तो एक क्षण के लिए भी गलत विचार गलत आहार अंदर मत डालो। अब ये गलत आहार खाने की इच्छा हो तो और गलत विचार आए, ये तो आता ही है, फिर क्या करो, उसको बोला करो परोपि ही मनस्पाप किम संस्थानि संससि, ये वेद का मंत्र है, सब मेरे साथ बोलेंगे, परोपि ही मनस्पाप किम असस्थानि संससि। जब भी कोई गलत विचार आए ना तो उसको है परे हट, परोपि ही परे हट, हिंदी में बोलते हैं ना, ए मन के पाप परे हट दूर भाग, तेरे लिए मेरे भीतर जगह। पहले तो कुत्तों को बुला लेते हो, फिर तो काटेंगे, फिर तो रसोई में जो भी खाना बना हुआ है उसको झूठा करेंगे, सब गड़बड़ मचाएंगे, ये जानवर हैं सब, ये हुड़दंगे हैं सब,
इनको मत बुलाया करो, पहले निमंत्रण दे लेते हो और फिर बात, पहले तो बोले आ जा, गलत विचार आया, बोले हाँ और बता। कोई यूं आके बोल देना कि फलाना की बहू भाग गई थी, फिर बोला आगे क्या हुआ। गलत गलत बातों को और खोद खोद के पूछेंगे, और अच्छी बात में बोले बहुत हो गया ब्रह्म ज्ञान बंद करो। ये गलत बात जो है ना आदमी, ये गलत की तरफ गिर। अच्छा बोले बाबा ये होता क्यों है। मैंने कहा भाई पेड़ से पत्ता नीचे गिरे, ऊपर तो उठाने के लिए ताकत लगानी पड़े, पानी ऊपर से नीचे टंकी बस एक बार यूं खोल दो, नली टूटी सारी टंकी खाली हो जाएगी, भरने के लिए मोटर लगानी पड़े, पावर लगानी पड़े, ऊपर उठने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, नीचे गिरने के लिए तो सत छोड़ दो और पड़ जाओगे। यह जीवन का सिद्धांत। इसलिए जो यूं सोचते रहते ना बाबा ये गिरावट क्यों आ रही है, गिरावट तो स्वाभाविक है भाई, पानी तो ढलान की तरफ जाएगा। हिंदी भाषा में उत्तर भारत में खड़ी बोली में बोला जाता है पानी किधर जाता है, नीचाई की तरफ, ढलान की तरफ जाएगा। भाई पानी तो ढलान की तरफ जाएगा, तो आदमी का पानी मर रहा है, ये नीचाई की तरफ जाता ही रहता है। खराब चीज देखी और एकदम खाने की इच्छा हो, और करेले का जूस देख कर भाग गया है। इनने चाहिए कोका कोला पेप्सी, पी ले फिर मरेगा। कोका कोला पेप्सी बर्गर ये नहीं, दे पानी मर रहा आदमी का। मनड़ा थारे मत चलो तो सीधो नरक ले जाए रे मन मरा थन, कई विधि समझाओ मनड़ा थारे मत चलो। अब क्या भजन सुनाएंगे, चलो बहुत सुन लिया, चलो सीधे बैठो, अनुलोम विलोम थोड़ा सा कर लो, फिर ब्रह्मरुद्ध गीत कराएंगे। रुकना नहीं, मनैव मनुष्याणां कारणं मन्दमोक्षयो चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुर्व सुदुष्करम्। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। अर्जुन जैसा महायोद्धा कहता है मैंने जीता है बड़े बड़े योद्धाओं को, लेकिन मन के आगे मैं भी हार गया। गांडीवम संस्रते हसात्वपरिदहयते नहीं शक्नोमि अवस्था तुम ब्रह्मतेव च मे मन। बोला मेरा मन भटक रहा है, ये गांडी वहां से खिसका जा रहा है, शरीर में पसीना आ रहा है, क्या करूं, जुबान कांप रही है। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से, चंचलम ही मन कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। सीधे बैठो, चंचलता छोड़ो, मन की चंचलता छोड़ो, प्रज्ञा की राह पकड़ लो, भ्रम के भटकावे छोड़ो, अब योग की राह पकड़ लो। बहुत भटक रहे हो, ये भटकावा छोड़ो, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, रुकना नहीं। ये मन को ठीक कर लिया ना तो तन और पूरा जीवन तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये मन बड़ा लुका पड़ता है, अनुलोम विलोम भाव से करना, रुकना नहीं, फिर देखना मन तुम्हारे बस में है तो सारी दुनिया तुम्हारे वश में हो जाएगी, त्रिलोकी तुम्हारे वश में। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम देश का कर लो, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो। लुटा रहा युग पुरुष सिद्धियां, चाहे झोली भर लो रे भर लो रे भर लो रे। भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो।